राकेश कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अभी हमारी रियासत के बाहर नहीं हुए हो। जमींदार साहब, छोटा ठाकुर में अपने हाथ छोड़ता हूँ, आपकी रियासत को दोनों लोग अभी छोड़ कर चले जाएंगे। और छोड़ रियासत तो मेरी जंगला जैसे ही हमारा घर जलाया है, अगर तुझे एक दिन ऐसे नहीं जलाया तो मेरा नाम किसान नहीं। देखो सागर से आओ, देखो कामने सामने जा रहे हैं, चलो इनको पीछे। अगर ये साले रियासत के हमारे बाहर चले जाएंगे तो ये अपना पैसा कमा गया साला धनवान बन जाएंगे। हाँ, जब धनवान बनकर आएंगे तो हमारे सर पर जूती चलाएंगे। हमको तुमको गर्मी सामने नदियां दिखाई पड़ रही है, उसे में देखो सामने नदियां दिखाई पड़ रही है, उठा लो साले पर थाप कर नदियां। चलो आओ भैया विशाल, देखो। हाँ भैया, अभी जमींदारों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। हाँ लेकिन मेरे भैया, हाँ 3 दिन हो गए। हाँ भैया, मेरे पेट में भूख जोरों से लगी मेरे भैया। हाँ भैया, तो भूख जोरों से भैया और हमारे राकेश को खाए हुए। आज आज बहुत जोरों से भूख लगी है मेरे भाई, कहीं से आधी रोटी अगर मुझे मिल जाए तो कुछ मेरी आत्मा को संतुष्टि हो मेरे भैया। गांव वालों, आप लोगों से हमारे गुजारिश है, गांव के दादा चाचा मदद कीजिए, भूख से भाई मेरा भगवान कीजिए, भूख से मेरा भाई कृपा एक रोटी खिला दीजिए नाजुक भैया। भैया, हाँ भैया, हमें लगता है एक गांव वाले जितने ग्रामवासी हैं, हमें लगता है ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह ने इन्हें धमका दिया है, एक पैसा नहीं देंगे खाने के लिए, क्योंकि इनकी ये रियासत है भैया। हाँ भैया, चलो भैया, हाँ भैया, यहाँ कुछ खाने के लिए गांववासी नहीं देंगे,
सामने दरिया दिखाई देता है। हाँ भैया हम दई देते हैं भैया, लेकिन मजबूरी यह है। अब है ठाकुर साहब आए थे हैं और तुम्हों पंच देह बताए के हो वही दे के हम मारे मरो यह सुंदर। सच कहते हो भैया, ऐसा करो जो बताओ ना तब हम भाई रोटी दे दई। भैया विशाल देखो इस गांव में उन दरिद्रों की दहशत फैली हुई है। सामने दरिया दिखाई देता है, इस दरिया को पार कर हम दूसरे वाले गांव में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब ये अपना गांव हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे भैया। हेलो भैया, और लेकिन हमका बतायो दोस्त, हमका बतायो ना भाई। ठीक हम आपको नहीं बताएंगे। अरे पाइपुर वालों, जो पानी रोटी दे दिया तो ये समझ लो जो थर्मो का हल हुआ था वही होगा। ठाकुर हमने अपने भाई के लिए अपना मांग था भीख में, तूने उसको मांग दे ठाकुर। ठाकुर तो जल्लाद है, कौन है हमारे रियासत में? तुम पानी तो पानी, खाना तो खाना, एक बिस्कुट भी नहीं खा सकते हो। ठाकुर तू मुझे मारता क्यों? तूने मुझे मेरे बाप को मार दिया और हमारा भाई भूल से व्याकुल था, भीख मांगा तेरी भलाई, इसलिए मुझे जान से मार दिया। साला एक देखो सामने से बाहर जा रहा है और एक इधर से बाहर जा रहा है। चाले दो, आज अपने साले गांव की दुश्मनी खत्म हुई। चलो 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 पढ़ाओ पैगाम, आज अपने चाले की नींद उठे। खिड़की वाली अच्छा सुन रहे हो? यस सर। हाय खिड़की वाली तुम कल फिर आना, नहीं फिर जाना, हर अपने दिलों में होते नैना है जला यहाँ आओ, यहाँ यहाँ आओ, खिड़की खोलते हैं अभी तुम्हारी। अरे चौकीदार
यहाँ क्या हो रहा है यहाँ यहाँ ये क्या हो रहा था ये यहाँ क्या हो रहा था ये बताओ जी सर ये थाना है या रंडी खाना बना रखे हो साले थाना है सर थाना है सर अरे तुम साले नहीं जानते हो थाना है एक गंगा डाकू नाक में दम कर रखा जितना साले हिजड़े के तना कमर हिला हिला के बातें करते हो अगर इतना दिमाग लगा करके सोचो तो ये परेशानी हमारी और तुम्हारी दोनों की दूर हो सकती है क्यों नहीं? है? क्या उसके बारे में कभी सोचा है? सोचा क्या सोचा सर उसको तुरंत गिरफ्तार करके कानूनों की सलाखों के पीछे डालेंगे सर हाँ जैसे बोल दिया तुरंत गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे डाल दोगे साले ऐसे डाल दोगे जैसे जब कोई यहाँ नहीं होता तुम साले अपने मनोरंजन में जुटे रहते हो अगर वो आ गया साला सबकी खटिया खड़ी कर देगा है इतने दिन से हो कहीं ना उसको पकड़ पाए हो जब देखो तो कहते हो तो साला भाग गया मैं तुमको बताता हूँ तुम जब मैं बोलता हूँ तो कहते हो भाग गया मैं बताता हूँ उसको और गंगा मौजूद है और इसी चिले तर उसमें पड़ गए तो
तो अभी छापा डालते हैं। क्यों नहीं सर? तो आप चिंता न करिए और साहब किसी बात की अपना निभाना है आता है बात की नजरों से मेरे जाए कहा और थोप गोली चलाना है। सिपाही जल्द ही आज हो जाओ तैयार। जल्दी गाड़ी निकालो और चल करके चंबल का मैदान घेर लेते हैं, किसी तरफ से निकलने ना पाए। चलो धर्म का काटा बना पलरा बना ईमान का, धर्म का काटा बना पलरा बना ईमान को बाज रहा इलाके में डंका बिक्रम चंदा मौन है। मैं हूं जगत का नारायण। चौक नगर जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। पांच बिघा गन्ना दे दो दस बिघा। जय जय पवन पुत्र हनुमान और पांच बिघा गन्ना दो बिघा धान। नगर हाँ कहिए क्या बात है? काफी देर हुई अभी साथी लोग नहीं आए हैं। अब तय हुई है इंतजार करते हैं। हाँ तुम्हें पर बैठा उतले पहाड़ पर इंतजार कर आए रहे हुए हैं। मेरा भाषा का आपका सूर्य चन्ना मान है। अरे मेरे भाषा का आपका सूर्य चन्ना मान है। मैं हूँ जगत का नारायण मतलब सितारे हिंद करो तुम्हारा है सरकार का ला। सितारे हिंद का रुतबा रहा है सरकार का आला। हमेशा खून नजर बक्से में बंदूक में भरी गोली जिसे कारतूस कहते हैं। बंदूक में भरी गोली जिसे कारतूस कहते हैं। तीर्थन दबा खटका उसे उखाड़ लूंगा पेड़ चढ़ी से। उखाड़ लूंगा पेड़ चढ़ी से बढ़ेगी डाल कैसे और बैठना नंदुआ मेरों में बढ़ेगी। ऐसा है विक्रम सिंह कहो शेरा सिंह अभी तक मेरा सरदार नहीं आया है। चलो उसका इंतजार किया जाए। शेरा सिंह और हुई देर काफी न सरदार आया। ठीक है अरे चिधर चलता हूँ जमे कार कराती है। अरे
शहर हूँ जंगल का, शहर हूँ जंगल का, दरिया का किनारा है बंदूक मेरा। और तुम्हारी ही बढ़ाई से मेरी ही बढ़ाई है, तुम्हारे ही बढ़ाई से मेरी भी बढ़ाई है, तुम्हारे ही भाव को देखो। खबर पुलिस वाले मेरा कुछ न कर सके। क्या चकमा देना उन्हें तो मेरा काम है, डाका डाला जुआ खेला हाथ करी। दुनिया में पता नहीं और कोई दुनिया में पता नहीं और कोई माई कलाल और हम सबके होते हुए मेहरबान कहलाए और मार ही गोली से उसको। इंस्पेक्टर याद रखो, मैं भीड़ो में इसीलिए घूमता हूँ, आपका कफन बांध के घूमता हूँ। याद रखो इंस्पेक्टर, सुख की नींद सोने वाले नहीं है। जिस वक्त सामने पड़े हो तो धरती झंडी उड़ा करके फेंक दूंगा।
अरे दीपक में इतनी शान कहां, दीपक की भी इतनी शान कहां, रोशन करे संसार में इस पट्टर तुम्हारी चमका। भागत गोली चला दूंगा मैं जो सकता मेरा गंगा। भाग ले तू जितना भाग सकता है, क्या नहीं रात पीछा नहीं छोड़ूंगा गंगा। और तेरी मां की कसम, अरे पटर गोली चला तेरी मां की कसम, और गोली चला चुप सकता है मेरा निशाना नहीं। बीच में गर्जे पंगा लिया ढूंढ डालूंगी मैं। शेरा सिंह मसाला तो क्या कहना चाहते हो, कुछ कम पड़ गया है और प्यास भी लगी है। चलो वो सामने जो दरिया दिखा रही है चलो वहां चल करके पानी पिएंगे। ठीक है सरदार जी, चलो पुलिस भी पीछे पड़ी है, मसाला भी कम है, चलो हवालदार। अब देखिए ये बदमाश तो ये झेल झील के पीछे निकल गए, पार कर गए। क्यों नहीं सर, अब उधर हमारा तुम्हारा रास्ता चलने का नहीं, उधर गाड़ी जा नहीं सकती है। क्यों नहीं, चलो आज तो चल रहे वापस, उसके बाद देखते हैं इनका चालक को, फिर दोबारा छापा मारेंगे। क्यों नहीं सर, लेकिन सर मेरी एक बात सुनिए सर, ऐसी हमें जाना ठीक नहीं है सर। अगर किधर से चलोगे, अगर आप हमारी बात माने सर, हाँ बोलो, तो हम ढूंढते हैं ये डाकू दरिया के पार, सभी डाकू नहीं गए हैं सर, तो चलो दरिया के किनारे किनारे निकलते हैं। चलो ठीक है, अरे साले ठीक से देख करके नहीं चल सकते हो हवलदार, ठीक से देख करके नहीं चल सकते हो साले, जब तुम्हारे चलते में लफड़ा लग रहा है गिर जाते हो तो डाकू का पीछा क्या करोगे। अरे सर हमें कुछ लग रहा है, चौकीदार चौकीदार रे, तुम ये बताओ झाड़ी में जब हम झाड़ियों के बीच से निकले थे तो हमें हमारे पीछे से ठोकर किसने मारा रे। अरे इधर देखो हवलदार, छोड़ो इधर सुनो, ये देखो कौन सा इंसान है, कोई डाकू है या कोई दूसरा, होशियारी से इसको देखना। क्या सर इंसान है, हो सकता है इसका झाला ले लो, देख लो इसके पास क्या है क्या नहीं है। क्या कहा, बेहोश पड़ा हवलदार जी। सर ऐसा करो इसको पहले होश में लाओ। सर हमें तो लग रहा है ये पानी में डूब गया है, तो इससे इसके अंदर पानी भर गया है,
चलो ठीक है, पानी भर गया कुछ है, पानी निकालो और इसको होश में लाओ, बाद में सब पूछते हैं एक कहाँ का इंसान है कौन।